अस्सलाम वालेकुम। जब सब कुछ नामुमकिन सा लगने लगे, ये मत सोचना सब कुछ ख़राब हो रहा है, कुछ सही नहीं होगा, बल्कि और ज़्यादा यकीन के साथ दुआ करना, क्योंकि सिर्फ़ अल्लाह ही है जो हर चीज़ को मुमकिन कर सकता है। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तुमने अल्लाह से मांगते रहना है, मांगना नहीं छोड़ना। बस तुमने मायूस नहीं होना, तुमने शिकवे नहीं करने, तुमने नाशुक्री नहीं करनी, तुमने तकदीर को बुरा नहीं कहना, तुमने दुआ करना नहीं छोड़नी। हालात जैसे तुमने सोच रखे थे वैसे ना होने पर कोई शिकवा ना करना, सब्र करना। जब तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा चीज़ ना मिले तब तुम्हारा ज़िद ना करना, तुम्हारा शिकवे शिकायतें ना करना। जब भी कोई तकलीफ पहुँचे तब सब्र करना और तकदीर को बुरा ना कहना। इसे कहते हैं अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह बकरा की दो आखिरी आयतें रात में पढ़ ली उसे हर आफत से बचाने के लिए काफ़ी हो जाएंगी। अल्लाह कुछ भूलने वाला नहीं। अल्लाह जानता है कब कब तुमने सब्र का घूंट पिया, कब कब लोगों ने तुम्हारा बुरा चाहा, कब कब तुम पर इल्ज़ाम तराशी की। बस तुम सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दो। अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है, कोई उससे भाग नहीं सकता। अगर कोई भागने की कोशिश करे कब तक भाग लेगा, आखिर वापस लौट कर अल्लाह के पास जाना है।